उत्तराखंड के जंगल इन दिनों आग से धधक रहे हैं। जंगलों में लगी आग को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जंगलों में लगी आग को रोकने के लिए बरसात या क्लाउड सीडिंग के भरोसे नहीं रह सकते, सरकार को कारगर कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन क्या आप जानते हैं फायर सीजन में उत्तराखंड के जंगल आग से क्यों धधक उठते हैं? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? आज हम आपको बताएंगे आग लगने के पीछे की सबसे बड़ी वजह। साथ ही आपको बताएंगे कि आप जंगलों को आग से बचाने के साथ पैसे भी कैसे कमा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं ऋतु बिष्ट। उत्तराखंड के जंगल जल रहे हैं और इस आग के पीछे की सबसे बड़ी वजह है चीड़ के पेड़ और इन पेड़ों से झड़ने वाला पिरुल। दरअसल चीड़ के पेड़ से जो पिरुल झड़ता है वो बेहद ही महीन होता है। इस पिरुल की वजह से पहाड़ी रास्तों में फिसलन भी ज्यादा बढ़ जाती है। गर्मी का मौसम होने की वजह से ये पिरुल आग भी जल्दी से पकड़ लेते हैं और जैसे ही आग पिरुल के संपर्क में आती है वैसे ही तेजी से फैलने लगती है और देखते ही देखते पूरे जंगल को अपनी आगोश में ले लेती है। लेकिन अब ये पिरुल आपके बहुत काम आ सकता है। अगर आप पिरुल इकट्ठा करते हैं तो सरकार आपसे इस पिरुल को लेगी और बदले में आपको इसके लिए पैसे भी देगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार अब पिरुल लाओ पैसे पाओ मिशन पर काम कर रही है। दरअसल सरकार की मंशा एक तीर से दो शिकार करने पर है। लोग पिरुल लाएंगे तो बदले में मिले पैसों से उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो पाएगी, साथ ही जंगलों में लगी आग पर भी काबू पाया जा सकेगा। चलिए सबसे पहले आपको पिरुल लाओ पैसे पाओ मिशन के बारे में बता देते हैं, साथ ही ये समझाने की कोशिश भी करेंगे कि सरकार के इस प्लान में कितना दम है। अब तक आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि इस मिशन के तहत आपको जंगल से पिरुल इकट्ठा करना है और फिर उसे सरकार को बेच देना है। सरकार पिरुल इकट्ठा करने के लिए पिरुल कलेक्शन सेंटर बनवा रही है, जहां जाकर आप 50 रुपए किलो की दर पर पिरुल को बेच सकते हैं। इस मिशन के संचालन का जिम्मा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कंधों पर रहेगा। वही मिशन के लिए 50 करोड़ का फंड अलग से भी इसमें रखा गया है। तो सरकार की मंशा तो स्पष्ट है कि लोग पिरुल इकट्ठा करेंगे तो जंगलों में पिरुल नहीं रहेगा और जंगलों में लगी आग पर भी कंट्रोल किया जा सकेगा। लेकिन सरकार की इस योजना में दम नजर नहीं आ रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह उत्तराखंड के जंगलों में चीड़ के पेड़ों की बहुत ज्यादा संख्या है। दरअसल अंग्रेजों ने हवाई जहाज से उत्तराखंड के जंगलों में चीड़ के बीजों का छिड़काव किया था, जिसकी वजह से हर जगह चीड़ के पेड़ भरे हुए हैं। चीड़ के पेड़ों की संख्या के अलावा ऐसा भी नहीं है कि इस योजना से पहले लोग पिरुल इकट्ठा नहीं करते थे। पहले भी लोग जंगलों से पिरुल को इकट्ठा करते थे, जिसका इस्तेमाल गौशाला में जानवरों के नीचे बिछाने के लिए किया जाता था। इसके साथ ही गर्मियों के मौसम में कीट पतंगे जानवरों को परेशान करते थे, जिससे कि जानवरों को बचाने के लिए पिरुल को जलाकर उस पर गोबर के थेपले रख दिए जाते थे, जिससे कि कीट पतंगे भाग जाते थे। ऐसा नहीं है कि पिरुल को लेकर पहली बार सरकार इस तरह की योजना लेकर आई है। इससे पहले भी त्रिवेंद्र सरकार ने पिरुल नीति लागू की थी, लेकिन योजना नहीं चल पाई, जिसकी वजह से इसे आखिरकार बंद ही करना पड़ा। साल 2018 में भी त्रिवेंद्र सरकार के दौरान सरकार ने प्रोजेक्ट पिरुल शुरू किया था। इस योजना के तहत भी लोगों से पिरुल खरीदकर सरकार का प्लान पिरुल से बिजली के उत्पादन का था। योजना के तहत कुछ वक्त तक बिजली का उत्पादन भी किया गया था, लेकिन योजना सही ढंग से नहीं चल पाई थी, जिसकी वजह से इसे आखिरकार में बंद करना पड़ा। अगर आग से उत्तराखंड के जंगलों को बचाना है तो उसके लिए सबसे पहले लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। साथ ही सरकार को भी आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तौर तरीकों में भी बदलाव करना होगा। रही बात लोगों के पिरुल इकट्ठा करने की, तो लोगों को सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा, तभी जंगलों में लगी आग पर काबू पाया जा सकता है। आपको क्या लगता है, पिरुल लाओ पैसे पाओ प्रोजेक्ट में जंगलों में लगी आग पर काबू पाया जा सकता है? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा और चैनल को फौरन ही सब्सक्राइब करें।